हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज फिर से हम एक नया रेसिपी, नया वर्जन लाए दोस्तों। आज हम बनाएंगे चिकन सूखा रेसिपी। चिकन सूखा रेसिपी बिल्कुल एकदम टेस्टी और यमी और क्रिस्पी रहेगी दोस्तों, देख सकते हो। सबसे पहले हमने सरसों का ऑयल डाला और इसके बाद इसमें हमने खड़े मसाले और तेज पत्ता डाला। इसके बाद जो हमने ऑनियन जो स्लाइस काट रखे हैं, 500 ग्राम हमारी स्लाइस ऑनियन है वो डाल दिया है। 1 किलो हमारा चिकन सूखा बनेगा, देख सकते हो। चिकन सूखा मसाला आज का जो स्पेशल है, जो हाउ टू मेक चिकन सूखा एट होम रेसिपी है, ढाबा स्टाइल दोस्तों। बहुत शानदार और जानदार टेस्ट के साथ राज बोरा कुकिंग ब्लॉग्स देखिए आपके लिए लाए हैं आज चिकन सूखा। पूरा पूरा मसाला इंक्लूड है दोस्तों। ये देखिए, हमने खड़ी हरी मिर्ची और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स वेल करना है ताकि जो हमारा मसाला है और ऑनियन है अच्छे से पक जाए। और दोस्तों ध्यान दें, जो हमारे टमाटर प्यूरी और साथ में मसाले हैं वो भी इंक्लूड है, हमने डाल दिए, देख सकते हो। अब जो हमारा चिकन है उसको अच्छे से वाच करना है। इसके बाद इसमें भरपूर टेस्टी और यमी देख सकते हो हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। ग्रेवी और एकदम तैयार हो रहा है, देख सकते हो। साथ हमारा मसाला देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऑथेंटिक जो मसाला रोगन छोड़ दिया। अब दोस्तों इसमें हम 1 किलो चिकन जो अच्छे से वाश कर दिया वो डालेगा, और देख सकते हो कलेजी को अच्छे से धो के डालेगा ताकि इसमें कोई भी मिट्टी ना आए और जो खाने में है मसाले का भरपूर साथ आए। देख सकते हो हमारा मसाला एकदम तैयार हो रहा है दोस्तों। और इसमें पानी नहीं डालेगा, पानी की मात्रा एकदम नहीं, जो हमारा चिकन है वही पानी छोड़ेगा, देख सकते हो। जो मसाला है हमने पूरा भरपूर डाला, और 2 पैकेट हम चिकन मसाला का डालेगा इसमें, तब जाके जो स्पाइसी फ्लेवर और टेस्टी चिकन सूखा मसाला होगा दोस्तों, देख सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है राज बोरा की, आपके लिए टुडे स्पेशल है। आप लोग पार्टी शपेट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो दोस्तों। हमारी रेसिपी देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल चूल्हे में बन रही आग में, देख सकते हो हमारा मसाला एकदम रेडी है। देखिए दोस्तों, हमने ढक्कन लगाया 10 मिनट बाद, देखा हमारा चिकन सूखा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों। आप देख सकते हो, बिल्कुल इन्जॉय कर सकते हो। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो राज बोरा की अगली रेसिपी है आप तक पहुंच सके दोस्तों। देख सकते हो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और सर्विंग करेंगे 4 लोगों के लिए। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो थैंक यू, धन्यवाद।